नमस्ते। मैं रिलायंस को एग्जिट कर दिया। इनफैक्ट ये और भी गिरेगा, लेकिन इसमें इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना था कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ट्रेड मिल रहा है। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ओके, देखो ये जो भी है, मतलब ये लोअर लो पे है, इसका मतलब है मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। सारे सपोर्ट्स को इसने तोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इधर देखते हो, इधर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, ये कैंडल में अभी ये कैंडल से ये गिरना चाहिए। अगर ये गिरेगा ना, कोई कारण से ये हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो कारण से मैं अभी अभी इसको शॉर्ट किया हूँ। ओके, 25.05 इसका जो भी ये है ना, व्हाट इज इट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस है इसको सेल किया हूँ। इसको कोई कारण से इसको टच नहीं करा, सिर्फ 3.20 रुपीज में इसको ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छा खासा एक गिरावट मिलना चाहिए। रिलायंस और भी गिरेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस में क्या है, रिलायंस है ना, ये इसको तोड़ के वो लेवल है, और भी गिर जाएगा। लेकिन जो भी है भाई, इधर तक भी आ सकता है ना, और भी 30 पॉइंट्स में। ये सिर्फ मतलब 3 रुपीज में ये ट्रेड मिल रहा है, तो एक और करेंसी में इसको किया हूँ। क्योंकि अगर अपने इसके देखते हैं ना, इसका जो FMC जो है, इसके कल का लो को इसने तोड़ दिया है। ये लो तोड़ना है, अभी ये नीचे गिरना चाहिए। वो कारण से हैवी वेट स्टॉक है FMCG का, ये भी एक अच्छा खासा गिरावट ये देना चाहिए। देखिए किधर तक गिरता है, मैं छोड़ देता हूँ 3.15। ओके, क्योंकि रिलायंस में क्या है, हो गया 19-10 ट्रेड हो गया, 19-10 के ऊपर ही ट्रेड हो गया। तो उसके बाद होल्ड करना गलत है। गलत मतलब हर एक दिन ये नहीं होता है ना? तो वो कारण से मैं इसको हटा दिया हूँ। अभी क्या है, हिंदुस्तान लीवर एक अच्छा खासा ये लेवल से सिर्फ 3 रुपीज़, अगर देखते हो जो इसका स्टॉप लॉस है 28.25। ओके, 3 रुपीज़ 25 रुपीज़ में 2500 रुपीज़ का स्टॉक को मैं कर रहा हूँ। देखेंगे क्या होता, मैं अपडेट करता हूँ इसको। ओके, चलो रिलायंस में और भी टारगेट है। देखो क्या होता है, रिलायंस में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। ओके, इधर भी इसमें एक स्विंग हाई है, इधर भी ये रिकॉर्ड हो सकता है, इसको भी ब्रेक करेगा, ये लेवल भी हो सकता है, गिर सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट कैंडल में ही। ये ब्रेकआउट है फर्स्ट कैंडल में ही, कल का सारा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है। फाइन, देखें कोई ये नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे। ओके, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, ओके देखेंगे क्या है। मैं इसका एंट्री बता दिया था क्या है बोल के, इधर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, मतलब इधर से ये गिरना चाहिए। हाँ, एक बड़ा फॉल इसमें मिल सकता है, मतलब 93 इसका सपोर्ट है। अगर इसको छोटा सपोर्ट किधर मिलता है, डेस्कटॉप के नीचे देखना पड़ेगा, चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं है उसका। हाँ, डेस्कटॉप के नीचे देखना पड़ेगा। हाँ, रिलायंस भी वही लेवल से एग्जैक्टली वो टच कर दिया, मतलब फाइन, इसको भी और भी नीचे गिरना ही है। निफ्टी भी इसका सपोर्ट तोड़ दिया है भाई, इधर है, क्या करें। देखेंगे हिंदुस्तान लीवर एक मिनिमम 93 आना चाहिए, इसके बाद क्या मूवमेंट आता है देखेंगे। सिर्फ मैं इसमें 3.25 रुपये में ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें जो भी है 28.25, 25 इज द एंट्री। ओके, वो जो 25 है वो एंट्री है, 28.25 स्टॉप लॉस है। एक अच्छा खासा एक नीचे गिरावट इसमें आना चाहिए, वो आएगा। 93 इज द फर्स्ट टारगेट, और कितना है, अनदर 20 पॉइंट्स। ओके, उसको ब्रेक कर दिया ना सपोर्ट को, डेस्कटॉप के नीचे देखना पड़ेगा, और कोई ये नहीं है। देखेंगे निफ्टी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है रिलायंस में स्टॉप करने का। इसमें भी किधर है भाई इसका सपोर्ट, देखेंगे किधर तक गिरता है, क्या होता है देखेंगे। हिंदुस्तान लीवर है, मेरे पास और भी स्टॉक्स था, ये सारे अच्छे खासा गिर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस भी गिरना चाहिए, कोटक बैंक में लेट्स सी वेयर इज द, मतलब किधर तक जाएगा। मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग है, इसमें ट्रेनिंग ट्रेड लिया है। ओके, ये हायर ही नहीं कर रहा है तो लोअर लो करना चाहिए, क्या दिन तक आएगा, लेट्स सी। हाँ, प्राइवेट बैंक लो टूटा है, प्राइवेट बैंक इज ब्रोकन द लो, शुड फॉल, लेट्स सी। फाइन, देखेंगे भाई क्या होता है। आई विल अपडेट यू, इवनिंग में मैं इसको अपलोड करता हूँ, अभी नहीं। हाँ,
देखो इसमें 3 रुपीज़ में हम एंटर किए थे ना, ऑलमोस्ट कितना 25 है, इसका मतलब 1910 का ट्रेड हो गया इसमें। हाँ ओके फाइन, एक्चुअली ये 93 तक का आएगा, 93 तक तो मिनिमम आना है, 93 तक तो मिनिमम आना है इसको, 93 ये लेवल तक आना है। अगर इसको छोड़ दिया ना भाई, ये अलग ही है, ये स्टॉक का जो भी है अलग ही है, मतलब इसका जो भी सपोर्ट है किधर किधर पड़ा हुआ है, इसका सपोर्ट मेरा डेस्कटॉप के नीचे पड़ा हुआ है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो देखेंगे क्या होता है। मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा, क्या है इसमें। ओके ये जो हिंदुस्तान लिवर है ना, ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके ये किया है, मतलब ये नीचे गिर रहा है, इसमें क्या है, कोई किधर भी सपोर्ट नहीं है, मजाक कर रहा था, डेस्कटॉप के नीचे इधर तो सपोर्ट नहीं है, मैं इसको होल्ड करूंगा, देखेंगे कोई कारण से इसको रिवर्स नहीं करना है, एक अच्छा खासा ये मूवमेंट मिल रहा है भाई। हमने इसमें सिर्फ 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में इसको किए थे, 25 25 से एंट्री है, 28 वो स्टॉप लॉस था। फाइन देखिए, मैं इसको होल्ड करूंगा क्योंकि इधर एक सपोर्ट था, उधर कोई ये नहीं है, और क्या सपोर्ट्स देख सकते हैं इधर, और क्या सपोर्ट्स को देख सकते हैं। देखेंगे इसको भी क्रैक कर रहा है ना, तो लेट्स फाइन। निफ्टी को ये लेवल पे आना है, 285 जो भी लो है, इट शुड कम टिल देयर, इसको भी ब्रेक करेगा कल वो अलग बात है, उधर तक। हाँ जो मेरा पोजीशन है इसमें क्या है, वेयर इज इट, हिंदुस्तान लीवर। हाँ ये तो इधर तक का ये है, मैं गैप मतलब है कुछ लेवल्स है इधर, मुझे पता नहीं है, मेरा मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग ने इसको मार्क किया है, पता नहीं, उसको बिलीव करता हूँ मैं आज। हाँ कौन सा लेवल मार्क किया है मुझे पता नहीं है, इसे उसका टारगेट था ये वाला, तो पता नहीं है कौन सा लेवल को मार्क किया है, उधर तक आ सकता मैं छोड़ देता हूँ। ओके मतलब क्योंकि इसका जो टारगेट है 93 93 के पास 20 पॉइंट नीचे गिरा है, देखेंगे, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहा है, देख लीजिए अगर इट कोस, इसमें 15,000 में मिला ना, 15,000 को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रायल नहीं करता हूँ मैं इसमें। ऑल राइट, निफ्टी इसका जो टारगेट है इसको हिट कर दिया, हिंदुस्तान लिवर में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ओके शुड फॉल डाउन फ्रॉम हियर, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 37। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, मेरा इंतजार है भाई एटलीस्ट 25,000 हो जाए, नहीं होगा कैसे होगा, ये 34 तक आ जाएगा। निफ्टी आराम से ब्रेक डाउन कर रहा है, इसको भी ब्रेक डाउन कर रहा है, देखेंगे कैंडल का क्लोजिंग किधर होगा, अगर नीचे कर दिया वो प्रॉब्लम है, नीचे कर दिया तो प्रॉब्लम है। चलो इसमें एग्जिट हो गया, इतना ही है। हाँ एग्जिट हो गया, उसमें 81 का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, 83 को रखना था, फाइन नो प्रॉब्लम, जो भी है आज जो हुआ है वो है। निफ्टी ने इसका सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, अगर लो कर दिया एक नीचे गिरावट आ सकता है, और भी स्पेस है निफ्टी के लिए। रिलायंस 34 तक आ सकता है, वॉट एवर इट इज, मेरा टारगेट तो हो गया, सिर्फ हम इसको कितना 3 रुपये में किया था, 3 रुपये में ऑलमोस्ट कितना है, 80 80 मतलब 20 40, 1:12 का ट्रेड है भाई ये, 1:12 का ट्रेड हमने इसमें हिंदुस्तानी लिवर में किया है। ओके 1:12 है, हाँ इसमें भी ऑलमोस्ट कितना है, इसमें 1:10 का है। हाँ और इसमें सारे रिलायंस का भी ट्रेड का डाला हूँ मैं, उसको भी देख लेना। हाँ कितना 35 पे एंट्री था, 40 पे स्टॉप लॉस था, 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में इसको किए थे, उसमें भी अच्छा खासा एक मिला है। हाँ चलो ये था आज का ट्रेड भाई, कल मिलेंगे, टेक केयर।